इज अ रैली अगेंस्ट दी डेथ बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. पीपल आर प्रोटेस्टिंग साइलेंटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर. दोस्तों, वसई में आज एक अनोखा आंदोलन हुआ. यह आंदोलन मूक प्रदर्शन था, जो कि वसई की एक नई गठित हुई संस्था NH नेशनल हाईवे 48 एक्शन काउंसिल द्वारा किया गया. आप सभी जानते हैं कि दो दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी संस्था के लोगों की दिखाई थी, जिसमें इन्होंने ऐलान किया था कि आज रविवार को ये इस तरह से आंदोलन करने वाले, मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं. तो आज सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वसई के हाईवे पर इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई. हाथों में अलग अलग तरह के प्ले कार्ड्स इन्होंने लिए हुए थे और उस पर अलग अलग चीजें लिखी गई थी, जो आप वीडियो में तस्वीर में देख सकते हैं. और एक ये अनोखा प्रदर्शन, जो कि मूक था, किसी तरह का इस प्रदर्शन में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मूक रहने में या चुप रहने में ज्यादा शोर होता है, तो वैसा ही कुछ है. काफी कुछ असर इस आंदोलन का जरूर होगा, ऐसा हमें लगता है और होना ही चाहिए. यह आंदोलन था नेशनल हाईवे 48 पर जिस तरह से गड्ढों का अंबार लगा हुआ है और जिस तरह से पूरे रोड की हालत है, मुंबई अहमदाबाद मार्ग खास करके नायगांव से लेकर विरार तक जो रोड की हालत है, सड़क की हालत है, हर रोज कई एक्सीडेंट वहां होते हैं और जाम में घंटों तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ता है. तो उसका ये विरोध प्रदर्शन था. इस तरह से इन्होंने एक अलग तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया. देखिए इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी यह खबर. आज के लिए अभी के लिए इतना ही. नमस्कार. जाने में कोई रास्ता ये नहीं कर रहे, इतना दिन
मेरा नाम अशरफ है, मैं इंडस्ट्रियल जुड़े हुए एक साधारण आदमी हूँ। सर, आप जो चिंचोड़ी हाईवे पे जो मुद्दा ले उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? आज हजारों के तादाद पे NH-48 में जो लोग अभी जमा हुआ है, ये यहाँ के गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए आया है। ये जो रोड बन रहा है, ये रोड पुराना रोड अच्छे थे उसको तोड़ के नया रोड बना रहा है। ये रोड पे बनाने से बन के अभी हुआ नहीं है, उससे पहले खड्डा चालू हो गया। 8-8 घंटा 4-4 घंटे का ट्रैफिक हो रहे, लोग जो है ना ट्रैफिक में फंस रहे। यहाँ जब पालघर से, पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ जो आदमी बीमार होते हैं उनको लेके जाना पड़ता है मुंबई। तो मुंबई में अगर एम्बुलेंस से निकलना है तो ये ट्रैफिक में लोग बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहे हैं। हो सकता है किसी का डेथ भी हो सका होगा, हो गया होगा। तो ये सब चीजें 4 महीने में 50 आदमी का डेथ हो गया। इस बारे में हम लोग यहाँ के अधिकारी को दिखाना चाह रहे हैं कि ये रोड का जो काम है, ये जब कॉन्क्रीट रोड बोलते हैं इसको, कॉन्क्रीट क्यों बनाते हैं? कॉन्क्रीट इसलिए बनाते हैं कि लॉन्ग लाइफ के लिए, मिनिमम 25 साल का गारंटी होना चाहिए। ये रोड पे अभी बन के 4 महीना हुआ नहीं, 40,000 खड्डा हो चुका है। तो लोग इसमें एक्सीडेंटल डेथ हो रहे हैं, रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ट्रैफिक इतना हो रहा है, 5-5 घंटे का ट्रैफिक, 6-6 घंटे का ट्रैफिक हो रहा है। इसके लिए अधिकारी लोग इतना जल्दी से जल्दी ये ट्रैफिक का समस्या को खत्म करना पड़ेगा। ये जो रोड का जो है, इनका इंक्वायरी होना चाहिए कि रोड किस तरीके से बन रहे। सबसे बड़ा करप्शन ये रोड पे हुआ है। इसके लिए नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये करप्शन वाला रोड है, ये रोड के ऊपर इमीडिएटली इंक्वायरी करो और ये रोड को अच्छे से अच्छे रोड बनाने का कोशिश करो। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।